साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, सोल। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम्स जेम्स को। पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने की थी? विलियम वुड। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जे.बी. वाटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा? स्किनर ने। पावलोव थे रूसी मनोवैज्ञानिक। किसने कहा सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है? वुडवर्थ। प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई 1879 में। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो के द्वारा। देख लियो, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है प्रयोगात्मक विधि, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा? स्किनर ने। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है वंशानुक्रम विकास बुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? E.A. पील ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन है यूलिच का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन किसका है? स्टीफन का। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? डेकार्ट ने। कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बताती है? प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए है? शिक्षकों के लिए। विल हेलम उड के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है सभी प्रकार की अनुभूति। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ये लोग नहीं किए थे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? बालक का। लोगस का अर्थ ज्ञान और साइकी का अर्थ आत्मा है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्राणी के व्यवहार का, प्राणी के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का। डी
मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे कब से आरंभ हुआ है? 16वीं शताब्दी से। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है अभिवृद्धि एवं विकास, विशिष्ट बालक, वंशानुक्रम एवं वातावरण। उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है उपरोक्त सभी के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। किसने कहा? स्किनर ने। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है? निरीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्त इतिहास। उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है बाल विकास। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? प्रयोगात्मक विधि। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जाना गया? 19वीं शताब्दी में। किसने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की? उंट 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 साइकी का अर्थ है मस्तिष्क। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है अधिगम की प्रवृत्ति को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, पाठ्यक्रम निर्धारण निर्माण में सहायक। उपयुक्त सभी। इस तरह ये यूनिट हमारा समाप्त।